हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं यहाँ पर बात करूँगा इसी माइक्रोमैक्स इन वन बी के बारे में। तो भाई, जो इसका 2 GB वाला वेरिएंट है, आपको यहाँ पर 7,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। तो बात करें दोस्तों इसके कैमरा की, तो यार इसमें आपको 13+2 MP का ड्यूल बैक कैमरा देखने को मिलता है। और इसमें 2 MP का दोस्तों ये डेप्थ सेंसर है। और बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी की, तो 8 MP की आपको यहाँ पर सेल्फ़ी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों बात करें कुछ और फीचर की, तो 1080p 30 FPS पर आप फ्रंट और बैक दोनों में वीडियो बना सकते हो। आपको यहाँ पर EIS और 4K इस प्राइस पे दोस्तों वैसे भी देखने को किसी भी फ़ोन में नहीं मिलता है। तो बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक लगा मुझे। तो भाई, जो ये आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की है इसी फ़ोन से। और जो दोस्तों रेजोल्यूशन है वो है 1080p 30 FPS। तो भाई ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है इस फ़ोन का। तो आप देख सकते हैं जो ऑटो फोकसिंग है इस फ़ोन की, वो मुझे काफ़ी सही लगी। जैसे ही मैं नज़दीक ले जाता हूँ ऑब्जेक्ट के, तो काफ़ी सही से ये यहाँ पर ये वर्क करता है। बात करें दोस्तों कंट्रास्ट लेवल की, तो आप देख सकते हैं जो कलर्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और डिटेल्स में भी यहाँ पर मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल शॉट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ़ोन मुझे हाल ही में ही मिला है। तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे अभी पता नहीं है कि कैसा ये वर्क करता है। फिर भी मैंने आपके लिए कुछ सैंपल्स निकाले हैं और आप देख सकते हैं नॉर्मल शॉट काफ़ी अच्छे से निकल कर आया है। बात करें दोस्तों AI की, यहाँ पर AI ऑन करते ही आपको थोड़े यहाँ पर कलर्स थोड़े पंची देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। और बात करूँ दोस्तों यार इनडोर शॉट की बैक कैमरे से, तो भाई बैक कैमरे से इनडोर शॉट आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो, काफ़ी सही है। वैसे हल्का बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करता है अगर आप लाइट यहाँ पर ज़्यादा ही कम कर दोगे। दोस्तों बात करते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड की, तो भाई पोर्ट्रेट मोड जो है इस फ़ोन में वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसका जो दोस्तों सक्सेसर है उससे भी अच्छा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मुझे लगा है इस फ़ोन का। तो भाई जो बैकग्राउंड ब्लर है और जो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर फोकस है वो काफ़ी सही करता है दोस्तों ये फ़ोन। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। दोस्तों इस सैम्पल शॉट में आप यहां पर डायनामिक रेंज देख सकते हो इस फ़ोन की। जो स्काई का ब्लू कलर है वो काफ़ी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट ये फ़ोन कर रहा है। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। और जो दोस्तों कलर का यहां पर प्रोडक्शन है वो मुझे काफ़ी सही लगा है इस कैमरे का। दोस्तों बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ से हल्का सा ये फ़ोन दोस्तों हिल जाए तो कुछ यार फ़ोटो में गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैक्सिमम फ़ोन में आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लो लाइट की और आप और यहाँ पर देख सकते हो कि भाई लो लाइट में ये फ़ोन स्ट्रगल करता है। तो ये दोस्तों है ही, क्योंकि 7,000 रुपये का फ़ोन है यार दोस्तों। लेकिन फिर भी 7,000 के मुताबिक आप अगर वेरी लाइट लो लाइट में भी जाओगे तब भी दोस्तों आपको ठीक ठाक से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़े बहुत देखने लायक यहाँ पर इमेजेस मिल ही जाएगी। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो फ़ोटो निकल कर आई है वो अच्छी है। और डायनामिक रेंज थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत करती है। भाई बात करें यहाँ पर इंडोर सेल्फ़ी की, तो इंडोर सेल्फ़ी यहाँ पर काफ़ी सही है, मुझे तो सब कुछ यहाँ पर ठीक ही लग रहा है। और 8 MP की दोस्तों सेल्फ़ी है, तो क्वालिटी कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों पोर्ट्रेट मोड की फ्रंट सेल्फ़ी से, तो पोर्ट्रेट मोड दोस्तों मुझे फिर से यहाँ पर अगेन बहुत सही लगा है। काफ़ी अच्छे से दोस्तों ये काम करता है पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों, जो माइक्रोमैक्स का इन वन बी है वो वाला फ़ोन। तो भाई बात करें यहाँ पर फ्लैश लाइट में, अगर आप फ़ोटो लोगे तो फ्लैश लाइट में आप कुछ इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हो। जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों जो कलर रिप्रोडक्शन वगैरह है उसमें दोस्तों ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस वीडियो में यार इतना ही था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना।